नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने 121 मॉडल पेपर तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना 122 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों सारे के सारे हैं मॉडल पेपर, वो प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ जाके सारे के सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न है, भारतीय व यूनानी मूर्ति कला के मिश्रण से कौन सी शैली का जन्म हुआ। तो दोस्तों, भारतीय व यूनानी मूर्ति कला के मिश्रण से कौन सी शैली का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधार शैली का। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था। तो दोस्तों कहाँ किया था, तो ये किया था दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो किसने की थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार नंबर प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जनते जनतो। ठीक है, दोबारा देखो प्रश्न को, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जनतो किसने रचा था। तो दोस्तों किसने रचा था ये गीत वैष्णव जनतो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नरसिंह मेहता ने लिखा था दोस्तों ये गीत। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच नंबर प्रश्न, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का एक विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लॉर्ड कैनिंग ने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न है ये दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आया तो इसका मतलब दोस्तों अगर आपने पीछे वाले मॉडल पेपर नहीं देखे होंगे तभी दोस्तों ये प्रश्न आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जी वी जोशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। सात नंबर प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय सिलसिले के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों इसमें देखो चिश्ती संप्रदाय सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ये थे दोस्तों इसके संप्रदाय के प्रवर्तक। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सरदार भगत सिंह के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में स्थित है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस नंबर प्रश्न है, इसमें देखो श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे। श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में चार मठ स्थापित किए गए थे, तो दोस्तों उनमें से किसके द्वारा जो
मठ स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आदि शंकराचार्य द्वारा। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। तो इसमें देखो 11 नंबर प्रश्न, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने किया था इसमें कोटा राज्य में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो गांधी जी ने किस स्थान पर की गई गोलाबारी को जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक क्रूर बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसमें, निमूचना, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों गलत युग्म को अपने को इसमें पहचानना है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसमें देखो अर्जुनलाल सेठी उदयपुर, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा जयपुर। दोस्तों अर्जुनलाल सेठी है, इनका जो कार्य क्षेत्र था वो जयपुर था। जयनारायण व्यास का जोधपुर, केसरी सिंह भारत का मेवाड़, गोविंद गिरी का वागड़। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? तो दोस्तों मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कक। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों सबको पता होगा चेतक है इसका घोड़े का नाम, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शिव शंकर अपने विद्यालय से यात्रा प्रारंभ करके 4 किमी उत्तर की ओर गया। तो दोस्तों 4 किलोमीटर है वो उत्तर की ओर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ के दोस्तों 2 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो दोस्तों इसके बराबर में आ गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। ठीक है, तो दोस्तों अब वह विद्यालय से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों विद्यालय से कितनी दूरी पर है, तो वो सीधा सा सिंपल सा है दोस्तों, विद्यालय से कितनी दूरी पर है, तो ये दोस्तों कितनी दूरी पर है, तो 2 और 2 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। 2 ये है और ये 2 ये हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4, तो 4 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है, देखो मूर्तिकार प्रतिमा, तो मूर्तिकार है ये प्रतिमा बनाता है यानी कि प्रतिमा का निर्माण करता है, उसी प्रकार कवि है वो कविता का निर्माण करता है या कविता लिखता है। ठीक है, अब देखो 18 नंबर प्रश्न है, 24 2 5, ठीक है, तो ये 53 आए, ये कैसे आए? तो देखो 24 × 2 कितने हो गए, 48 + 5 कितने हो गए, 53। ठीक है, उसी प्रकार 51 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 204, तो 204 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 211। उसी प्रकार 67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 402, और 402 में अपन 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 407। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 407, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में देहली को 73541 और कोलकाता को 82 58 96 62 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो दोस्तों उसी कूट भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसमें सीधा सा सिंपल सा है दोस्तों, देखो कालीकट को अपन लिख सकते हैं इसमें सी को 8, देखो यहाँ पे कलकत्ता लिखा हुआ है तो कलकत्ता का यहाँ पे कोड दे रखा है, तो सी का कोड है इसमें 8। ठीक है, ए का कोड हो जाएगा इसमें 2, तो 8 2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 82 51 8 96। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो √3 √0.004096 का मान है, तो दोस्तों इसका मान है वो क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 2 बार रूट निकलेगा। ठीक है, तो इसका 0.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं।
21 नंबर प्रश्न, शिवम 30 किमी प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी 12 मिनट में तय करता है तथा शेष दूरी 45 किमी प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है। तो दोस्तों उसकी औसत चाल कितनी है वो अपने को इसमें बताना है। इसमें दोस्तों सूत्र लगेगा दूरी बराबर है चाल इंटू समय, दूरी बराबर है चाल इंटू समय, यानी कि 12 मिनट में चली दूरी। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे इसको, तो 30 इंटू 12 बटे 60, ठीक है। तो ये 12 से कितनी बार कट गया, 5 बार, तो 5 30 में फिर 5 का भाग दे दिया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो कुल दूरी है वो दोस्तों इसमें 6+6 यानी कि 12 किलोमीटर हो जाएगी टोटल इसमें दूरी, ठीक है। अब देखो इसमें कुल समय निकालना है, तो कुल समय दोस्तों 12 तो दे रखा है और इसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 किमी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो घनों के आयतन में 27:1 का अनुपात है तो इसकी भुजाओं में अनुपात है, तो दोस्तों इसके भुजाओं में जो अनुपात है वो कितना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कितना हो जाएगा इसका, देखो 27:1 दे रखा है तो इसकी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा दोस्तों वो है 3:1, ठीक है, 3:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, 10.5 सेमी अर्धव्यास वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर छोटे लंबवर्तीय शंकुओं जिनमें से प्रत्येक के आधार का अर्धव्यास 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रकार बनने वाले शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार बनने वाले शंकुओं की संख्या है वो कितनी होगी, तो इसमें देखो गोले का आयतन दे रखा है दोस्तों, इसमें 4/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब दे रखा है इसमें, तो आर कितना दे रखा है यहाँ पे 10.5, ठीक है, तो 10.5 का इसमें क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें सूत्र लगेगा दोस्तों, एक तो लगेगा इसमें देखो आयतन का सूत्र लगेगा, ठीक है, तो 1/3 पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर इंटू 3 सेमी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों दो सूत्र लगेंगे, एक तो गोले का आयतन और एक शंकु का आयतन, इन दोनों को ऊपर नीचे रख देंगे और फिर दोस्तों आपस में काट देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 126, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 24 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात है, तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का जो अनुपात है वो क्या होगा इसमें। तो इसमें दोस्तों वही सूत्र लगेगा इसमें, कौन सा, तो देखो गोलार्ध का आयतन यानी कि गोले का आयतन का सूत्र लगेगा और फिर लंबवर्तीय बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा, ठीक है, इन दोनों सूत्र को रख के और आपस में काट लेंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 2:3, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो परिवार की शिक्षा है वो 30% दे रखी है, परिवार को जीवित रखने के लिए धनोपार्जन है वो 44% दे रखा है, खरीदारी है वो 10% है, विविध है इसमें 7%, 9% है परिवार की यात्रा, ठीक है। तो इसमें देखो प्रश्न में क्या पूछा है, परिवार की यात्रा और खरीदारी में मिलाकर बिताए गए समय तथा शिक्षा में बिताए गए समय का अनुपात कितना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है कि परिवार की यात्रा और खरीदारी को मिलाकर और दूसरी तरफ है शिक्षा में बिताए समय, तो इसमें देखो इसमें खरीदारी और परिवार की यात्रा, तो परिवार की यात्रा तो इसमें कितनी है 9 और खरीदारी कितनी है 10, इन दोनों को मिलाकर और फिर दोस्तों अपने को शिक्षा का लेना है तो शिक्षा का हो जाएगा इसमें 30, तो ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो क्या अनुपात आ जाएगा, तो दोस्तों इसका अनुपात आ जाएगा वो है देखो 19:30, ठीक है, तो 19:30 यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 19:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19:30, ठीक है, तो इसमें व्युत्क्रम नहीं होगा दोस्तों, 19:30 सीधा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो धनोपार्जन में बिताए गए घंटे, परिवार की यात्रा, खरीदारी तथा विविध खर्चों में मिलाकर बिताए गए कुल घंटों
से कितने ज़्यादा हैं? तो कुल घंटों से दोस्तों इसमें कितने ज़्यादा हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो अभीष्ट समय यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो देखो खरीदारी तथा विविध खर्चों को मिलाकर बताए गए घंटों से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें सीधा सा सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, तो इसमें ऊपर जाना है, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें दोस्तों अभीष्ट समय है वो कितना है, तो 2400 है, ठीक है। अब 2400 दे रखा है अपने को यहाँ पे, अब इसमें देखो 44% धनोपार्जन का है, ठीक है। तो 44 - 9 + 10 + 7 यानी कि 9, 10 और 7, इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करना है अपने को, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके अपन दोस्तों 44 में से घटा देंगे, तो देखो 9 और 10 = 19 और 7 = 26, ठीक है। और 44 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो दोस्तों 2400 का इसमें 18% निकलेगा, तो यहाँ पे 2400 जो कुल समय दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ये अपने को याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 432 घंटे, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न, इसमें देखो समीकरण x²-19x + 10 = 0 कौन से दो मूल हैं, इन दो मूलों का योग क्या है, तो इन दो मूलों का योग है वो क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो मूलों का जो योग अपने को ज्ञात करना है, तो x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है अपने को कि -19/1, ठीक है, -19/1, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मूलों का योग आ जाएगा इसमें 19। नेक्स्ट है अर्वाचीन का सही विलोम क्या है, तो दोस्तों इसका सही विलोम हो जाएगा वो है इसमें देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाच्य है, तो दोस्तों भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाववाच्य से संबंधित वाक्य, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखो, चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर है वो है इसमें बालक बहुत देर से रो रहा है, ये दोस्तों भाववाच्य है, इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसकी सही अर्थ है ये अपने को बताना है, किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ दे रखा है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो चार ऑप्शन आपके सामने है, तो देखो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसमें पो 12 होना, विजय ही विजय पाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो स्वावलंबन की एक झलक पर नौछावर कुबेर का कोष के मेले में यह लोकोक्ति नहीं है, स्वावलंबन की एक झलक पर नौछावर कुबेर का कोष के मेले में मेल में यह लोकोक्ति नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो, खेती पाती बिनती अरु घोड़े का तंग अपने हाथ संभालिए लाख लोग होए संग, इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो वी शुड ऑलवेज बिलीव ओवर सेल्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इसमें इन प्रीपोजिशन आएगा दोस्तों, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इमोर्टल यहाँ पे दे रखा है 33 नंबर में, ठीक है, इमोर्टल का अपने को विलोम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टेम्प्रेरी, ठीक है, तो यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है इसमें सही उत्तर हो जाएगा टेम्प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो द हेड मास्टर ब्रॉट बैक टू माइंड द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द स्कूल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रिकॉल्ड, ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न, इसमें देखो ए फ्रेश बैच
ए फ्रेश बैच ऑफ एग्स वाज कलेक्टेड बाई द फार्मर्स वाइफ। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों इसमें देखो दिया गया वाक्य है, ये पेशी वॉइस का है, ठीक है, इसमें एक्टिव वॉइस में इसको बदलना है, तो इसका एक्टिव वॉइस में इसको बदलना है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस, तो इसमें देखो द फार्मर्स वाइफ है कलेक्टेड ए फिश बैच ऑफ एग्स, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिक्स नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में रेटिंग अंक प्राप्त करने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना, तो विश्व का पहला खिलाड़ी है वो कौन बना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोन फिंच बना, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच पद से किसने इस्तीफा दिया था, तो दोस्तों किसने इस्तीफा दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने दिया था, तो इसमें तुषार अरोठे ने दिया था, ठीक है, तुषार अरोठे ने दिया था इस्तीफा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत दक्षिणी कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, भारत दक्षिणी कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में 9-10 जुलाई 2018 के मध्य छठवीं शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो दोस्तों ये संपन्न हुई थी कहाँ पर, केपटाउन में, ठीक है, केपटाउन में संपन्न हुई थी दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, केपटाउन है वो दक्षिण अफ्रीका में है। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अलवर के इमरान और चूरू की सुमन जाखड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों अलवर के इमरान खान है और चूरू की सुमन जाखड़ है, ठीक है, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है दोस्तों किसे नियुक्त, तो सत्य त्रिपाठी को इसमें नियुक्त किया गया है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ग्रीन महानदी मिशन का शुभारंभ किया, इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इस संबंध में कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखो मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के बालंगीर और बरगढ़ जिले की यात्रा के दौरान महानदी के तट पर पौधा रोपित कर इस अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है, तो दोस्तों इसमें यही गलत है, ठीक है, दोस्तों मुख्यमंत्री ने बोध और सबरनपुर जिले की यात्रा के दौरान, ठीक है, यहाँ पे ये बालंगीर और बरगढ़ है ये गलत दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों बोध और सुबरनपुर आएगा, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये गलत दे रखा है इसमें। 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ब्रू शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन के लिए केंद्रीय सरकार के किन राज्यों के साथ समझौते किए, तो केंद्रीय सरकार के साथ में दोस्तों समझौते किए किन राज्यों के साथ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा एवं मिजोरम के साथ में इन्होंने समझौते किए थे, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों देश में पहली बार धातु शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों देश में पहली बार धातु शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन है ये कहाँ पर किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ पर किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, 24 जुलाई 2018 को पहले वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, तो लंदन में किया गया था दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियम, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, तो दोस्तों निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है, तो देखो उत्पादक उपभोक्ता और उपघटक ये श्रृंखला है ये इसमें बिल्कुल सही है। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, यह दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न,
चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है रेडियो फास्फोरस, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की एक इकाई दोस्तों इसमें कौन सी नहीं है? तो देखो, किलोग्राम माइनस मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संघीय शासन का आवश्यक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघीय शासन का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है शक्ति का पृथक्करण, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका है, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, दो दिन बाद में ही। 53 नंबर प्रश्न है, इस तिथि को भारत का गणतंत्र हुआ? तो दोस्तों, कौन सी तिथि को भारत गणतंत्र हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो इसमें देखो 54 नंबर प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है? तो बजट का प्रावधान है वो दोस्तों अनुच्छेद 112 के अंदर किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 112 के अंदर किया गया है इसमें, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, तो इसमें देखो 56 नंबर प्रश्न, सर्दियों में हिमालय में होने वाले हिमपात से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो राज्य में शीत लहर चलती है, राज्य में शीत लहर चलती है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पड़ोसी राज्य हैं? तो दोस्तों, राजस्थान में पड़ोसी राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों राजस्थान में पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी फसल है? बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बाजरा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59 नंबर प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक मुर्गी पालन वाले जिलों का समूह है? राज्य में सर्वाधिक मुर्गी पालन वाले जिलों का समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा जो काले हिरण है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है तालछापर अभ्यारण्य में, और ये तालछापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, 61 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है? तो दोस्तों कितनी निर्दिष्ट है? तो सबको पता होगा दोस्तों, इसमें मैं पहले भी काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, तो इसमें जो 75% इसमें संख्या है, न्यूनतम संख्या है, वो निर्दिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा एक सही है वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो, निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के पहले के बाद क्रम में रखो, यानी कि पहला कौन सा गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंटिन्यू वाइज बताना है कि पहला कौन सा गया, उसके बाद में कौन सा गया। ठीक है, तो सबसे पहले गया था दोस्तों, इसमें देखो कृपया कोड का प्रयोग करें, तो कोड यहाँ पे दे रखे हैं, तो सबसे पहले गया था दोस्तों वो है इनसेट 1A। ठीक है, उसके बाद में गया था कल्पना, ठीक है, उसके बाद में गया था दोस्तों वो है GSAT-2, और फिर सबके लास्ट में गया था एडुसेट। तो 1, 2, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 1, 2, 4, 3 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ कब से किया गया? तो कब से किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 2002 से किया गया, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। डाइस का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों डाइस का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये दोस्तों डाइस का पूरा नाम है। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पर्यावरण वन एवं वन्य जीवन को संरक्षित करने एवं उनकी दशा सुधारने के लिए अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था, 48 वाला। ठीक है,
66 नंबर प्रश्न है, देश का एकमात्र फ्लैगशिप आर्मी स्कूल कहाँ है? तो एकमात्र फ्लैगशिप जो आर्मी स्कूल है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकज ए तालीम योजना का संबंध किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों किससे? तो अल्पसंख्यक वर्ग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68 नंबर प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना मार्च 1995 में की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों हेतु अधिक अंक प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों अंबेडकर पुरस्कार दिया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झुंझुनू में किया गया है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल लागू करने से संबंधित है? तो आपातकाल है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में लागू किया जाता है? तो 356 में। ठीक है, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य हैं? तो दोस्तों राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य देखो, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, भाषाओं को प्रोत्साहन, शिक्षा पर धनराशि का नियोजन, उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी है माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य हैं। 74 नंबर प्रश्न है, डूंगरपुर कौन से शिक्षा मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सिमिस का संबंध है? तो दोस्तों सिमिस का जो संबंध है वो किससे है? तो ये दोस्तों माध्यमिक शिक्षा से है। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है दोस्तों इसका फुल फॉर्म सिमिस का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर 122 नंबर का मॉडल पेपर कंप्लीट। और अगर आपने अभी भी आराध्य आर एस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।